आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंगेज खान के बारे में, जिसने अपने ताकत के बल पर पूरे एशिया को जीत लिया और उसने सिकंदर से भी बड़ा साम्राज्य बनाया। चंगेज खान, जिसका रियल नेम तेमुजीन था, जब वो पैदा हुआ तब उसके हाथ में खून का धब्बा था। बचपन से ही उसे उन परिस्थितियों में जीना पड़ा, जिसके कारण वो बहुत बड़ा क्रूर और ताकतवर बन गया। जब वो 9 साल का था तब उसके पिता को दूसरे कबीले वालों ने मार डाला था। बाद में उसकी माँ को भी कबीले से निकाल दिया, जिसके कारण उसे बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में जीना पड़ा। एक बार तेमुजीन की मछली को उसके भाई ने चुरा लिया और उसके बदले में तेमुजीन ने उसको मार डाला। तेमुजीन बड़ा हुआ तो उसने सारे कबीलों को एक किया और उनमें से बहुत बड़ी सेना बनाई। बाद में उसने दुनिया को जीतने की शुरुआत की। चंगेज खान की सेना जहाँ से भी गुजरती वहाँ पर लाशों के ढेर लग जाते थे और पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो जाता। चंगेज खान की सेना ने इराक में ऐसी तबाही मची कि 1 घंटे में 17 लाख से ज़्यादा लोगों को उसने मार डाला और उन आबादी को वापस पाने में 700 साल लग गए। चंगेज खान उनके सैनिक गुलाइल के जरिए प्लेग से पीड़ित लोगों को किले के अंदर फेंक देते ताकि बीमारी सारे शहर में फैल जाए और आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया जाए। लड़ाई के वक्त वो गुलामों को आगे रखते और ढाल की तरह उसका उपयोग करते ताकि सामने वाले के तीरों से बचा जाए। चंगेज खान अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और उसके कारण दुनिया में 40 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। अगर चंगेज खान की तुलना हम सिकंदर से करें तो सिकंदर को तो पहले से ही बहुत बड़ा राज्य मिला था और दूसरी ओर मंगोलिया नाम का कोई देश ही नहीं था और ना ही चंगेज खान किसी राजा का बेटा था। चंगेज खान ने 0 से शुरुआत की थी, फिर भी सिकंदर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा बड़ा साम्राज्य चंगेज खान ने अपनी ताकत के बल पर बनाया था और पूरे एशिया को जीत लिया था। चंगेज खान क्रूर होने के साथ साथ बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी था। लड़ाई के दौरान वो लड़ाई से पहले अपने तंबू में बहुत देर तक प्रार्थना करता था और दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं को अपने 5 धर्म चर्चा के लिए बुलाता। वो खुद भी तेंगरी धर्म का अनुयायी था और अपने राज्य में उसने सभी को धर्म की स्वतंत्रता दे रखी थी। चंगेज खान ने पूरी दुनिया की 11% आबादी को ख़त्म कर दिया था। चंगेज खान की आखिरी इच्छा थी कि उसे ऐसी जगह दफनाया जाए जिसका पता किसी को भी ना चले। जब चंगेज खान को दफनाने जा रहे थे तब जो भी आदमी उसके सामने आया उन सभी को मार डाला गया और बाद में उन सैनिकों को भी मार दिया जो उसे दफनाने गए थे, और आज तक किसी को भी उसकी कब्र का पता नहीं चला। भले ही चंगेज खान को दुनिया का बहुत बड़ा क्रूर शासक माना जाता हो, लेकिन आज भी उसे मंगोलिया का फादर ऑफ नेशन माना जाता है और वहाँ पर उसकी पूजा भी होती है।